हाय गाइज, वेलकम बैक। आपका अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं iOS 18.0.1 के अपडेट में एक गुड न्यूज़ के बारे में। गुड न्यूज़ क्या है? आपने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया है। सो ये गुड न्यूज़ रहने वाली है बैटरी से रिलेटेड आपके आईफोन्स की। सो आईफोन्स में जो बैटरी ड्रेन का काफ़ी इशू देखने को मिल रहा था, क्या इस अपडेट में फिक्स हुआ है या नहीं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। सो करंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ आईफोन 13 को iOS 18.0.1 के अपडेट पे। सो गाइस, सबसे पहले चलते हैं बैटरी के सेक्शन पे और बैटरी हेल्थ में। सो सबसे पहले यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, 91% करंटली मेरे डिवाइस की बैटरी हेल्थ हो रखी है। सो इस अपडेट को मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपडेट मैंने कब इंस्टॉल करा था। फ्राइडे को, 4th ऑफ अक्टूबर को मैंने इस अपडेट को इंस्टॉल करा था अपने आईफोन 13 के ऊपर। और बात करें आज की, तो यहाँ पर आप आज की डेट देख सकते हो, 13 हो चुकी है, संडे है आज का दिन, और काफ़ी दिन बीत चुके हैं इस अपडेट को मुझे यूज़ करते हुए। सो सबसे पहले यहाँ पर गुड न्यूज़ ये है कि बैटरी बैकअप जो है वह अब आपको iOS 18.0.1 के अपडेट में और भी इम्प्रूव होकर मिलने वाला है एज़ कम्पेरेटिवली जो iOS 18 का अपडेट था। उस अपडेट में काफ़ी बैटरी ड्रेन इशू फेस करना पड़ रहा था काफ़ी आईफोन यूज़र्स को, तो उसको ध्यान में रखते हुए एप्पल ने ये अपडेट काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल करा है और मैनेज करा है बैटरी को लेकर, कि जो बैटरी लेवल है ओवरनाइट में भी स्टेबल रह रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ में जो बैटरी का लेवल है वो बिल्कुल स्ट्रेट आपको देखने को मिलने वाला है। ओवरनाइट में मेरा डिवाइस अब कोई भी बैटरी को ड्रेन नहीं करता है। तो रात के टाइम पे अगर मैं अपने डिवाइस को 90% चार्ज करके यहाँ पर रख देता हूँ लॉक लगाकर, तो सुबह भी मेरे को 90% इसका बैटरी लेवल देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि बैटरी ड्रेन का जो इशू है वो अब कम्प्लीटली फिक्स हो चुका है iOS 18.0.1 के नए स्टेबल अपडेट में। तो यहाँ पर गाइस, अब आपको एक और नया अपडेट आने वाला है आपके डिवाइसेस के लिए iOS 18.1 का, जो कि आपको अक्टूबर के मंथ में लास्ट में देखने को मिलने वाला है, यानी कि 28th के आसपास आपको जो अपडेट है सीरियन डॉट वन का वो रिसीव होने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कैसी मेरी यूसेज आती है डे टू डे रूटीन में। तकरीबन 4.5 घंटे का जो स्क्रीन ऑन टाइम है मेरे डिवाइस का चला जाता है, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी डिवाइस है। तो यहाँ पर ये कुछ एप्लीकेशंस डे टू डे रूटीन में मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने इस डिवाइस पे। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी एक्टिविटी के बारे में अगर बात करें, तो बैकग्राउंड में और स्क्रीन ऑन टाइम पे ये एप्लीकेशंस 50-50 मिनट्स तक भी यहाँ पर काम करती हैं मेरे डिवाइस के ऊपर। और कुछ ऐसे यूसेज के ऊपर मेरे को काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। अगर आपका डिवाइस आपको इस अपडेट में डिजायर्ड बैटरी बैकअप नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो आपको कुछ सेटिंग्स को ऑन ऑफ करना है, जैसे कि ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को हमेशा ऑन रखो, क्योंकि ये जो ऑप्शन है आपके आईफोन को काफ़ी बढ़िया ऑप्टिमाइज तरीके से चार्ज करता है आपकी बैटरी को। उसके बाद यहाँ पर चले जाना आपको जनरल पे, और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को ऑफ के ऊपर सेटअप करना है, क्योंकि ये ऑप्शन आपकी बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस को रिफ्रेश करती रहती है और बेफालतू आपकी जो बैटरी है उसे यूज करती रहती है। उसके बाद आपको चले जाना है यहाँ पर आपके साउंड एंड हैप्टिक्स में। अगर आप अपने कीबोर्ड में साउंड को हैप्टिक्स को यूज़ करते हो तो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये है कीबोर्ड फीडबैक, यहाँ पर आपको हैप्टिक्स को ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको चले जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे। ट्रैकिंग की ऑप्शन को आपको यहाँ से ऑफ कर देना है, क्योंकि ये एप्लीकेशंस को ट्रैक करती है बैकग्राउंड में और फिर से आपकी बैटरी को काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करती है। और लोकेशन सर्विसेज, आपको पता होगा कि जो भी एप्लीकेशन आप ओपन करोगे वहाँ पर आपको ये एरो देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी लोकेशन को यूज़ कर रही है। सो मेक श्योर रखें कि जो एप्लीकेशंस आप डे टू डे रूटीन में यूज़ करते हो उनके लोकेशन को नेवर के ऊपर सेटअप कर दो कुछ इस तरीके से, जो एप्लीकेशंस आप डे टू डे रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आपको यूज़ करनी है। अगर आप OLED डिस्प्ले वाला डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो आपको हमेशा डार्क मोड को प्रेफर करना चाहिए अपने डिवाइस के लिए, क्योंकि डार्क मोड में आपका डिवाइस और भी बढ़िया बैटरी बैकअप आपको निकाल कर दे सकता है। सो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसके साथ आप इजीली बैटरी ड्रेन को फिक्स कर सकते हो। और फाइनली बैटरी ड्रेन फिक्स हो ही चुका है मेरे केस में। यहाँ पर आप देख ही सकते हो मेरे डिवाइस में काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप ये आपको देखने को मिल जाएगा 91% बैटरी हेल्थ के ऊपर।
सो ये थे गाइज आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपने चैनल की हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।